फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर त्रिपाठी और इस वीडियो में हम मैक्सिमा मिनिमा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जनरली जो मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन इतने बढ़िया क्वेश्चन है कि जिसका जवाब नहीं, और दिस इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्वेश्चन। बहुत शानदार सवाल है जो कि आपकी क्लास ट्वेल्थ की मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर में एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक में एक्सरसाइज 6.3 में दिया है, एंड द क्वेश्चन नंबर इज 34। एंड द क्वेश्चन इज रिटन ओवर हियर कि एक आपके पास रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइपेड है, रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइपेड है हु साइड्स आर, जिनकी साइड्स दी हुई है आपको एक्स टू एक्स और एक्स बाय थ्री, एंड अ स्फीयर इज गिवन टू बी कॉन्स्टेंट। क्या दिया है आपको? तो वी आर गिवन इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि सरफेस एरियाज, किसका सरफेस एरियाज? तो एक तो रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइपेड है और दूसरा है स्फीयर, दोनों के सरफेस एरियाज का सम इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है, और हमें क्या मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है? तो इस केस में हमें मिनिमाइज करना है, क्या मिनिमाइज करना है? तो मिनिमाइज करना है हमें इस केस में वॉल्यूम, वॉल्यूम इज टू बी मिनिमाइज। किसका वॉल्यूम? तो सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज टू बी मिनिमाइज, उनके दोनों के वॉल्यूम्स का सम मिनिमाइज करना है, किसके? रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइपेड और स्फीयर के। और ये जब सम मिनिमम होगा तो हमें प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू 3 times द रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो x की वैल्यू है वो रेडियस का थ्राइस है, x की जो वैल्यू है वो रेडियस का थ्राइस है। और दूसरी बात देखिए, ऑल्सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स, जो उनके वॉल्यूम्स की मिनिमम वैल्यू है, सम की, वॉल्यूम्स के सम की मिनिमम वैल्यू है, वो निकालना है। तो पहले तो आप ध्यान से सुने, वैसे तो रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइपेड इस शेप का होता है, इस शेप का रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइपेड होता है, पैरेललो पाइपेड होता है, पर हमको दिया है रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइपेड, तो रेक्टेंगुलर है तो उसके सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, तो सारे एंगल जब 90 डिग्री होंगे तो दैट विल बी लाइक दिस, सॉरी, वो एक क्यूबॉइड के शेप में होगा। तो क्यूबॉइड की एक साइड है एक्स है, दूसरी 2x है और तीसरी आपको दी हुई है एक्स बाय थ्री। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? इसका सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मीन्स सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ये लिखा हुआ, ये जो है ये पैरेललो पाइपेड है, दिस इज व्हाट, दिस इज पैरेललो पाइपेड, लेकिन ये कौन सा है? ये रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइपेड है, रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइपेड। इसका शेप कैसा होता है? तो इट इज लाइक क्यूबॉइड, क्योंकि इसके सारे एंगल बींग रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइपेड होने के नाते इसके सारे एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और इसके सारे एंगल 90 डिग्री हैं, मीन्स रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइपेड इज सेम एज क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया का जो आपको फार्मूला याद है 2 into LB + BH + LH, द सेम फार्मूला विल बी एप्लीकेबल हियर। तो ये फार्मूले के हिसाब से इसका सरफेस एरिया आएगा एक्स इंटू, ध्यान से देखें आप, 2 into x into 2x प्लस 2x into x by 3 प्लस x by 3 into x। चलो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, अपना काम चालू हो गया है, देखिएगा तो ये आ जाएगा 2 into 2x square, ये हो गया आपका 2x square by 3 प्लस x square by 3। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको कैलकुलेट कर लें, अब आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो मैं इसे रब कर देता हूँ इस पोर्शन को। तो ये वैल्यू आई आपके पास सरफेस एरिया ऑफ किसका? सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड मींस रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइपेड इज दिस 2 into 2x square प्लस, उन दोनों को आप ऐड करेंगे 2x square + x square हो जाएगा 3x square by 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास 2 into 2x square + this, तो ये आ जाएगा 3x square, मीन्स ये आ गया आपके पास एरिया 6x square, ये रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइपेड का एरिया है, सरफेस एरिया। अब
हमने उसकी डायमेंशन नहीं ली है, किसकी डायमेंशन नहीं ली है, स्फीयर की। तो लेट y बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर, अगर y इसका रेडियस है तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, देयरफोर सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द स्फीयर विल बी होगा आपका 4πy² ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, 4π रेडियस स्क्वायर। अब आपको गिवन क्या है, तो ये गिवन है कि दोनों के एरियाज का सम, सरफेस एरियाज का सम कांस्टेंट है। तो गिवन 6x² प्लस 4πy² इज इक्वल टू k कांस्टेंट, दिस इज व्हाट कांस्टेंट। तो लेट दिस बी नंबर वन, मान लेते हैं इसे नंबर वन है। एंड व्हाट इज टू बी मिनिमाइज नाउ, तो देयर वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम क्या होगा, तो v, v क्या चीज है, सम ऑफ वॉल्यूम्स, सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ दिस क्यूबॉइड मींस रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड क्यूबॉइड एंड स्फीयर, ये दोनों का वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, LBH, LBH, तो LBH की जगह हो जाएगा x, 2x/3 इंटू टू, सॉरी x इंटू 2x इंटू x/3, ये हो गया, क्योंकि ये वॉल्यूम होता है LBH। प्लस स्फीयर का होता है 4/3 pi इंटू रेडियस क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 pi y क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम, विच इज़ टू बी मिनिमाइज्ड, इसको मिनिमाइज करना है। तो वॉल्यूम की वैल्यू आई दोस्तों हमारे पास, देखिएगा वॉल्यूम का वैल्यू आ गया आपके पास 2/3 एक्स क्यूब प्लस 4/3 पाई वाई क्यूब। अब हमें एक वैल्यू इससे एलिमिनेट करना पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ वन, तो y की वैल्यू इससे एलिमिनेट करेंगे 2/3 एक्स क्यूब, y की वैल्यू मैं एलिमिनेट कर देता हूँ तो ये आ जाएगी, आप देखिएगा 4/3 पाई वैल्यू ऑफ y, y का वैल्यू इससे निकालना होगा। तो इससे y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बड़े आराम से देखिएगा दोस्तों, k माइनस 6x², 6x² उधर भेज दें और 4π को नीचे भेज दें, दिस इज वॉट, दिस इज y², और अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो दिस विल बिकम y, और प्लस माइनस हम नहीं लेंगे, प्लस माइनस की जगह हम वी विल कंसीडर ओनली प्लस बिकॉज y इज डिस्टेंस। तो ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास k माइनस 6x² अपॉन 4π होल टू द पावर 1/2 और उसकी भी पावर 3 है, तो 1/2 और होल टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 3/2, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, देखिए मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/2 और होल टू द पावर आपका आ गया 3, तो ये आ गया हमारे पास 2/3 एक्स क्यूब प्लस 4π/3 के माइनस 6x² अपॉन 4π होल टू द पावर 3 इंटू दिस लॉ ऑफ इंडाइसेस से 3/2, ये आ गया है v। हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट होगा कि टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज टू v, तो टू मिनिमाइज v, वी शैल डिफरेंशिएट व्हाट, वी विल फाइंड dv/dx। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, dv/dx, तो dv/dx निकाल दें, तो dv/dx विल बी व्हाट, dv/dx इज इक्वल टू 2/3, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब इज 3x² प्लस, आप ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका 4/3 कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ होल टू द पावर 3/2 विल बी 3/2 होल टू द पावर व्हाट, k माइनस 6x² अपॉन 4π होल टू द पावर 3/2 माइनस 1 इज 1/2 इंटू ddx ऑफ इनर फंक्शन, जो अंदर लिखा हुआ है, तो अंदर क्या लिखा हुआ है, तो ddx ऑफ इनर फंक्शन, तो ddx चाहे तो अभी ऐसा लिख देता हूँ मैं,
डी डी एक्स ऑफ के बाय 4 पाई सेपरेट कर दें -6x2/4π, इसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3 से 3 कैंसिल, 2x2 प्लस ये 3 से 3 कैंसिल कर दें, इससे इसको कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास 2π। इसको चाहें तो आप रूट में लिख दें k-6x2/4π, और इसका डिफरेंशिएशन k बाय 4 पाई का 0 माइनस उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -6 2 जा 12 12x/4π। 4π और 6/4π कांस्टेंट, केवल x स्क्वायर का 2x और वो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12, तो इसको भी कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा आपका 4 3 जा 12, तो ये आ गया आपका dv/dx। अब बात रही कि देखिएगा 2x2, सो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, प्लस इनटू दिस माइनस इज माइनस 2π इनटू दिस 3 6π, x भी उधर से खींच ले, रूट ओवर k-6x2/4π, दिस इज dv/dx। नाउ टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट वी शैल पुट dv/dx इज इक्वल टू 0, तो नाउ वी शैल पुट dv/dx इज इक्वल टू 0, तो dv/dx को 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x2। ओके, एक चीज और ध्यान नहीं दी अपन ने, ये पाए से पाए विल बी कैंसल्ड, तो देयर विल बी नो पाए एट ऑल, तो 2x-6x रूट ओवर k-6x2/4π, 2x2 -6x। अब इसको 0 रखा और x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2x2 इज इक्वल टू 6x रूट ओवर k-6x2/4π। ये x से x को कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0, इट इज नॉट 0, x डिस्टेंस है विच इज ग्रेटर देन 0, तो x x कैन बी कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 2 3 जा 6। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग, तो जब दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा x2 इज इक्वल टू, ये राइट साइड में आएगा 3, तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9 और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा k-6x2/4π। तो 4π को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा आपका 4π x2 इज इक्वल टू 9k-36x2। अब आप 36x2 को भी उधर ट्रांसफर कर दें तो हो जाएगा 4π x2 + 36x2 इज इक्वल टू 9k, और किसका वैल्यू निकाल दें, इससे x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। तो x2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास, ध्यान से देखिएगा, ये आएगा आपका 4π x2 + ओके 9 6 जा 54 आएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे आएगा 54, तो ये आपका हो गया 54, तो ये आ गया 4π + 54 x2 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 9k, तो x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9k/4π + 54, तो विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस होगा, लेकिन x बीइंग डिस्टेंस वी शैल कंसीडर ओनली प्लस, 9k/4π + 54 का स्क्वायर रूट, ये x की वैल्यू है। अब अगर आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आप यहीं पे चाहें तो, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो,
तो आप इसको ध्यान से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9k अपॉन 4π प्लस 54। अब इसको आप ट्रांसफर कर दें इस साइड, तो हो जाएगा आपका 4π एक्स स्क्वायर प्लस 54 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के साइड में है 9k। और अगर आपको याद हो कि k का वैल्यू क्या था, तो आपको k का वैल्यू याद होगा फ्रॉम 1। तो फ्रॉम 1 k का वैल्यू था आपका 9, वो k का वैल्यू आपका था 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4π वाई स्क्वायर, ये था आपका वैल्यू। ये वैल्यू हम आप देख सकते हैं, पीछे रिवाइंड करके देख लें, आप पीछे जाकर देख लेंगे तो ये आपको वैल्यू मिलेगा। तो ये आ गया आपके पास 4π एक्स स्क्वायर प्लस 54 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 54 एक्स स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36, या ऐसे ही लिखे रहने दें 9 × 4π वाई स्क्वायर। ये 54x² कैंसिल, 4π से ये 4π कैंसिल, देखिएगा 4π से 4π कैंसिल, x² इज इक्वल टू आ जाएगा 9y², x² इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3y होल स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3y, लेकिन हम प्लस लेंगे बीइंग डिस्टेंस। ये हो गया प्रूव दोस्तों, पहली बात। लेकिन अभी उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी हमें बताना पड़ेगा। इसमें हमने ये बता दिया कि x इज इक्वल टू 3 times रेडियस है, लेकिन अभी हमें ये बताना बचा हुआ है, क्या बताना बचा हुआ है, कि वॉल्यूम जो होगा वो इसका मिनिमम होगा व्हेन x इज इक्वल टू दिस मच, जब x की वैल्यू ये होगी या फिर x की वैल्यू 3y होगी। तो नाउ टू वेरीफाई, अब वेरीफाई करने का काम आ गया है, तो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इट शुड बी डिफ्रेंशिएटेड नाउ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इसकी अब मेरे ख्याल से आवश्यकता ख़त्म हो गई है, तो नाउ वी कैन एलिमिनेट दिस। बस आप x की ये वैल्यू अपने दिमाग में रखिएगा, x की ये वैल्यू, और देयर इज़ अ रिलेशन, दिस रिलेशन। अब मेरे ख्याल से इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है, यू वॉन्ट रिक्वायर दिस नाउ, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो दिस, अब टू वेरीफाई, v इज मिनिमम, टू वेरीफाई v इज मिनिमम, वी शैल फाइंड d2v/dy² तो d2v/dx² तो इसका डेरिवेटिव 2x² का आप समझ सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 2x² इज 4x माइनस 6 कॉमन। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और रूट ओवर k माइनस 6x² अपॉन 4π कॉन्स्टेंट प्लस x कॉन्स्टेंट, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट k माइनस 6x² अपॉन 4π, और फिर इसका डिफरेंशिएशन अंदर वाले का, तो अंदर में दोनों सेपरेट होंगे जैसे पहले हुए थे, तो k अपॉन 4π का 0 और माइनस 6x² अपॉन 4π का हो जाएगा माइनस 6 अपॉन 4π कॉन्स्टेंट और x² का 2x, तो ये हो जाएगा माइनस 12x। ऐसा हमने पहले भी किया है, तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इसका सिंपली डिफरेंशिएशन, इसके लिए प्रोडक्ट रूल, अब मैं इस वाले पोर्शन को रब कर देता हूँ, तो ये रब कर दिया, जो कैंसिल हो रहा है दैट शुड बी कैंसल्ड नाउ, अब उसे कैंसिल करने की ज़रूरत आ गई है, तो आप उसको कैंसिल बिल्कुल हैप्पीली कर लें बिना सोचे हुए। तो ये आपका देख सकते हैं 4 3 से ये आपका हो गया है 12, तो ये हमने इससे कैंसिल कर दिया, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, नथिंग। तो आप थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो नाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड, तो माइनस सिक्स टाइम्स ये जो वैल्यू है आपकी रूट ओवर, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो आप ध्यान से देखें, एलसीएम लेंगे तो आप क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो दिस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा k माइनस 6x² अपॉन 4π इंटू दिस 2, ये जो 2 इंटू में है, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस
एक्स इंटू दिस, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू दिस 3x स्क्वायर, और अपॉन में ये जो पाए है, ये पाए ध्यान से देखिएगा, ये पाए रह जाएगा आपके पास, कैलकुलेशन में कोई एरर, 2 इंटू के माइनस 6x स्क्वायर इंटू दिस 2 इंटू 4 पाए माइनस 3x स्क्वायर अपॉन दिस पाए, ओके, और होल अपॉन जो आने वाला है आपका, वो आने वाला है, ये आएगा आपके पास 2 इंटू, ओके, ये आपका एलसीएम, सॉरी ये 2 इंटू में यहाँ आ जाएगा, 2 इंटू दिस, ये 2 इंटू दिस, तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 इंटू रूट के माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 4 पाए, ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 इंटू दिस। और अब आप ध्यान से देख लें कि अब हमारे पास क्या क्या होने वाला है, तो जो और एलसीएम लेना हो तो और एलसीएम ले सकते हैं आप, तो 4x माइनस 6, आप इसको कैंसिल कर दें चाहे तो इससे, 2 जा है आपका हो जाएगा, 2 जा 4, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 6 रूट ओवर के माइनस 6x स्क्वायर होल अपॉन 2 पाए, और अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो इसमें 2 पाए है और इसमें पाए है, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 पाए, और ये जो 2 है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर होल अपॉन 2 पाए, और अपॉन में आएगा 2 रूट ओवर के माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 4 पाए, होपफुली हमने ये कैलकुलेशन करेक्ट किया है, इन केस कोई प्रॉब्लम आए तो नेवर माइंड, 2 3 6, तो ये जाएगा आपका 4x माइनस 3, और ये अब अभी चाहें तो अभी आप वैल्यू रख सकते हैं, और चाहें अगर थोड़ा कैलकुलेट करना तो कैलकुलेट कर लें, तो ये इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये देखिए ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका k माइनस 12x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू दिस पाए 2 पाए, ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रूट 4 पाए, अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट के माइनस 6x स्क्वायर। अब ध्यान से देखें आप, ये रूट 4 है, रूट 4 इज सेम एज 2, लेकिन ये पाए स्क्वायर रूट में है और ये पाए इंडिपेंडेंट है। अब हम x की और k की जो वैल्यू है हमारे पास, जो x की वैल्यू है, सॉरी x की वैल्यू, तो ये वैल्यू हमको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगी, तो एट x इज इक्वल टू रूट ओवर 9k अपॉन 4 पाए प्लस 54। और हमें बताना होगा दोस्तों कि ये वैल्यू रखने पे इस पूरे d2vy dx स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है, तो x की जगह ये डाल देंगे, तो ये आ जाएगा 4 इंटू रूट ओवर 9k 4 पाए प्लस 54 माइनस 3 टाइम्स ब्रैकेट k माइनस 12 इंटू x स्क्वायर का वैल्यू, तो ये स्क्वायर रूट हटके आएगा 9k 4 पाए प्लस 54 ब्रैकेट क्लोज। इस रूट पाए से अगर इस पाए को अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो बहुत खुशी की बात है, ये आप लिख दीजिए रूट पाए। अब यहाँ पर वैल्यू रखना है k माइनस 6 एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा 9k अपॉन 4 पाए प्लस 54। ये तो सारी वैल्यूज़ का काम हो गया, लेकिन हाँ ये जो डिनोमिनेटर है इट इज़ इन स्क्वायर रूट, तो यहाँ स्क्वायर रूट नहीं लगाया, तो यहाँ लिख देते हैं होल टू द पावर 1/2। ये हमने प्रूव कर दिया था, इसे अभी वैसे ही रहने दें, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। अब ये कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन तो कोई ख़ास बात नहीं है, फिर भी हम साथ साथ करते हैं। 4√9k अपॉन 4 पाए प्लस 54 माइनस ब्रैकेट
आप इसको देखिए, 3/√π सबके बाहर है, तो 3/√π सबके बाहर पहले लिख दीजिए, 3/√π, बड़े केयरफुली कैलकुलेट करना है। 4π + 54 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4π k + 54 k, और इससे मल्टीप्लाई होगा 12 × 9, तो 12 × 9 = 108 k होल अपॉन 4π + 54। अब होल अपॉन देखिए, अब 4π + 54 इससे भी होगा मल्टीप्लाई, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4π k + 54 k - 9 6 9 54 k, ये दोनों नेचुरली कैंसिल होंगे, और अपॉन में क्या है आपके पास, 4π + 54 और पूरा जो लिखा हुआ है ये स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट में है, तो अभी लिख देता हूँ मैं होल टू द पावर 1/2, ये देख लीजिए होल टू द पावर 1/2, पूरा जो लिखा हुआ है वो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो होल टू द पावर 1/2 4 √ over 9 k 4π + 54 - 3/√π, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये होल टू द पावर 1/2 है, तो ध्यान से देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाली क्वांटिटी ऊपर जाएगी, लेकिन तब तक ऊपर का भी पोर्शन कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो ये देखिए 4π k 54 में से माइनस किया तो -54 k, और ये है आपके पास 4π + 54, इससे मल्टीप्लाई होगा ये, और ये है 4π k स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट 4π k, ये चीज़ है स्क्वायर रूट में 4π k, और ये गया 4π + 54 ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 4π + 54, ये आ गया आपके पास। अब ध्यान से देखिए आप, कौन कौन सा आपके पास कैंसिल हो सकता है, कौन कौन सा बच सकता है, वो आप समझते हैं, तो आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, जब आप इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा रूट, क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 4π + 54, और 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, तो आपका 2 हो जाएगा, √π × √π आपका √π × √π पाई हो जाएगा, और आपके पास बचा है रूट के, और न्यूमरेटर में देखिए आप, न्यूमरेटर है आपके पास -3 4π k - 54 k, ये इससे कैंसिल हो चुका है, तो अभी इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी देखिए आप, यहाँ पे आपके पास पे 4, ध्यान से देख लें, √9 = 3 √k / √4π + 54, अब इसमें से √4π + 54, देखिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लें एक तरीका, दूसरा तरीका है अगर आपको कॉमन लेना सूट करता है, x = 3y का रिलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम यूज़ करेंगे, तो देखिए अब इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप कॉमन ले लें, तो इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, देखिएगा एक तो ले सकते हैं आप 3, अपॉन में ले सकते हैं √4π + 54, ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा 4 √k और माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4π - 54 k अपॉन में क्या लिखा है देखिएगा, अपॉन में क्या बचा है हमारे पास, तो अपॉन में हमारे पास बचा है 2π
रूट के, 2 पाई रूट के। अब अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, 2 पाई रूट के और 4 रूट के, 3/√4π +54, ये हो जाएगा 8π k -4π k +54π (√2π रूट के। (3/√4π+54) थोड़ा परफेक्शन की जरूरत है इस क्वेश्चन के लिए। 8π k माइनस दिस तो ये आ जाएगा आपका 4π k और 4π k यहाँ 54k है, सॉरी, तो 4π k तो 4π+54, और अगर हम k को कॉमन ले लें तो ये इससे फिर कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में क्या बचेगा आपके पास दोस्तों, अपॉन बचेगा 2π√k। जब आप इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/√4π+54 और अपॉन में आपके पास है 2π और ये रूट के k को कैंसिल कर देगा तो ये आ जाएगा रूट के विच इज़ पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0। देयरफॉर v इज मिनिमम। कब है v मिनिमम? व्हेन x इज इक्वल टू √ जो भी x का वैल्यू था, x का जो भी वैल्यू था मेरे ख्याल से √9k अपॉन 4π प्लस 54 था, या फिर व्हेन x इज इक्वल टू दिस और व्हेन x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y जब x की वैल्यू कितनी है 3y। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, तो इसमें हमें निकालना है मिनिमम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या था, हेंस मिनिमम वॉल्यूम या मिनिमम वैल्यू ऑफ v विल बी, मिनिमम वैल्यू ऑफ v विल बी, तो v का मिनिमम वैल्यू होगा 2/3x³+4/3πy³। पर y की हम कौन सी वाली वैल्यू लेंगे, तो y की ये वैल्यू लेंगे, y की वैल्यू हम k की टर्म्स में और x की वैल्यू k की टर्म्स में नहीं निकालेंगे क्योंकि k वॉज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो हमको दिया था, क्वेश्चन में हमें केवल एक चीज़ दी थी x, तो हमारा आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ x, आंसर हमारा x की टर्म्स में होगा। तो ये 2/3x³ विल रिमेन एज इट इज +4/3π और y का वैल्यू आप उससे निकाल लें तो y की वैल्यू आएगी आपके पास x³³। अब बस नथिंग मोर टू डू, अब आपको बस केवल और केवल सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा आपका पास 2/3x³+4/3π(x³)/27। अब आप इसमें से क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं वो निकाल लें, तो निकल सकता है आपका कॉमन आ जाएगा 2/3 कॉमन आ जाएगा, x³ कॉमन आ जाएगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ पर हमने निकाल लिया x³, तो यहाँ बचेगा पाई और 2 कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा 2π/27 क्यूबिक यूनिट्स। तो दोस्तों ये है इसका वी मिन, सम ऑफ वॉल्यूम्स इज मिनिमम एंड मिनिमम वॉल्यूम इज दिस मच क्यूबिक यूनिट्स। तो होपफुली दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा सोल्यूशन, और इसी तरह से आप देखते रहें, अपने कमेंट्स जरूर लिखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, मेरी बेस्ट विशेष हैं, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। विश यू ऑल द बेस्ट।